जय श्री कृष्ण। अभी होली खेल के दिन चल रहे हैं, तो होली डंडा रोपण से मावा के थाल अनवसर में आते हैं। तो मावा के थाल के बहुत सारे वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं, तो आज हम लीला मेवा में से बनते थाल देखेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि अपने पास मावा बनावे को समय नहीं रह रहे हैं, तो कम समय में किस प्रकार से हमें थाल तैयार करनो, तो वो आज हम देखेंगे। सूखा मेवा मेसू आप बना सको हो, लीला मेवा मेसू भी आप बना सको हो। तो आज हम लीला मेवा मेसू चौपाट बनाना देखेंगे। बहुत झटपट अंदाज़ 10 मिनट में और बहुत कम सामग्री में बन जाता ये थाल है। और अगर आप सारे जितने भी दिन जब थाल आता है वो उतने दिन आप नहीं भी कर सको, तो इतना तो हमें आग्रह रखना चाहिए कि कुंज एकादशी सूर डोल के अगले दिन तक तो हम अवश्य रूप से ये जो मावा को थाल है वो अनवसर में प्रभु को पधराएं अरोगावे के लिए। और अगर आप अनवसर ना कराते हो तो फिर राजभोग के बाद जब आप उत्थापन भोग धरो तभी भी धर सको हो, अथवा तो राजभोग के संग भी आप ये जो मावा को थाल है वो धर सको हो। तो देखते हैं हम इसकी बनाने की विधि। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे और वीडियोज आते रहेंगे तो आपको देखने मिलेंगे। तो देखते हैं हम इसकी बनाने की विधि। यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, छोटी साइज की थाली है। आप चाहो तो चांदी, कांसा की या स्टील की थाली भी ले सको हो। यहाँ पे पूर्व तैयारी में मैंने कुछ लीले मेवे तैयार किए हैं, जैसे हरी और श्याम अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, केले हैं। केले को मैंने या तरह से जो छोटी साइज के केले आवे हैं उसे थोड़ा सा मैंने नीचे से समारण इसु फ्लैट कर लियो है। और यहाँ पे केला के ही पाशा बनाए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अंगूर को हम किनारी में या तरह से बॉर्डर करेंगे। या तरेसु अंगूर आधी आधी दोनों ओर रहे उस प्रकार हम पूरा थाल तैयार करेंगे। या तरेसु मैंने एक हरी अंगूर और एक श्याम अंगूर की पूरी बॉर्डर कर ली है। अब जो केले हैं उसकी हम चौपाट बनाने के लिए या तरेसु पधरा देंगे। अब बीच में एक चोरस केले को टूक हमने पधरायो है। अब मैंने केसर घूंट के तैयार रखे है। अब यहां शला कासु हम यहाँ के ऊपर चौपाट की सजावट करेंगे। मेवा के जब हम थाल बनावे लीला मेवा मेसू, तब ये बात को हमें ध्यान रखना है कि लीले मेवे जो भी हम ले रहे हैं वो ज़्यादा नरम ना लेवे, नहीं तो जैसो आकार हमें चाहिए वैसे आकार नहीं होवेंगे। तो जो लीला मेवा हम लेवे तभी वो थोड़े नरम लेवे के, थोड़े कड़क लेवे के। ऐसो भी नहीं होवे कि जो लीले मेवे वो बहुत ही कच्चे हो, क्योंकि ये हम इसमें प्रभु को अरोगावे की भावना कर रहे हैं, तो ये कच्चे ना हो वो बात को भी हमें ध्यान रखना है।
आपके घर पे अगर छोटे बाल वैष्णव हो उन्हें भी अगर आप यात्रा से वीडियो दिखा दोगे तो वो लोग भी आसानी से यात्रा को थाल साध सकेंगे और वो भी प्रभु के मुखारविंद की सेवा में जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी गैस को उपयोग नहीं करना है, कछु भी हमें गैस पर तैयार नहीं करना है। तो घर के छोटे जो बाल वैष्णव हैं वो भी या सेवा में सहायक हो सके हैं। आप केले के बजाय गन्ने भी ले सको हो और चौपाट के बजाय और भी विविध साहित्य जो सेवा में उपयोगी हो उसके थाल बना सको हो, जैसे कि जो गन्ने होवे गन्ने को शार्प संवारणी सु आप वामे सु नाव तैयार कर सको हो और नाव वालों भी एक थाल कर सको हो, अष्टदल कमल भी कर सको हो लीला में वामे सु षोडश दल कमल कर सको हो। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आप जो सेवा साहित्य है वो कर सको, श्रृंगार भी बना सको हो विविध प्रकार के, तो एक श्रृंगार को भी आप थाल तैयार कर सको जिसमें मुकुट टिपारा कुल्हे वगैरह जो मावा है उसमें सु कर सको हो, अथवा तो आप चाहो तो लीला मेवा में सु भी कर सको हो। तो ऐसे मैंने छोटे छोटे पाशा भी तैयार किए हैं केले में से, तो वहाँ में भी हम टिपकी करेंगे। एक बाजू 3, एक बाजू 5, एक बाजू 4 या तरह से हमें सामान्य भाषा में जाकू हम डाइस का है वो तैयार करने हैं। अब यहाँ पे चार विविध रंग के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ली है, तो छोटी साइज की जो स्ट्रॉबेरी हो वाकू मैंने नीचे सु संवारणी सु फ्लॉट फ्लैट कर ली है, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कर दी हमने। हरे अंगूर को भी मैंने नीचे सु संवारणी सु फ्लैट कर लिए हैं। अब चौथे रंग के लिए मैंने केला को ही या तरह सु ऊपर सु शेप दे दियो है समारणी सु। तो या तरह को थाल हमने लीला में वैमेसु चौपट को तैयार कियो है।
तो जरूर सु आप भी याद रखो थाल अभी खेल की दिनन में प्रभु को अनुसर के लिए तैयार कीजिए, और आपके जो भी प्रतिभाव हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सु लिखिए, तो मोको भी आगे और वीडियोस बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।